हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है अजीत जी ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, आई एम ट्रेडिंग इन मार्केट सिंस 3 इयर्स। आई लाइक योर वीडियोस वेरी मच। वीडियोस आर प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ नॉलेज। प्लीज कीप इट अप। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डज सपोर्ट स्ट्रेंथन और वीकन आफ्टर मल्टीपल टचेस? आई वुड लाइक टू नो योर व्यू ऑन इट। हे अजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सही में दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग टेक्निक भले ही कुछ भी हो, पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का एक ऐसा वेपन है जिसे जैसे ही आप अपने टेक्निक पे ऐड कर दोगे, वो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे और उसके बाद हम अपने कुछ ट्रेड्स की एनालिसिस भी देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले नए लोगों के लिए जरा देखते हैं कि अजीत जी का सवाल आखिर है क्या। देखो दोस्तों, जब बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की आती है तो ट्रेडर्स के सीधे दो ग्रुप्स बन जाते हैं। पहले वाले ग्रुप्स का कहना ये होता है कि यार, प्राइस जितनी ज्यादा बार अपने सपोर्ट को टच करेगी ना, वो उतना ही वीक होते जाएगा, जिससे खतरा ये बढ़ जाता है कि अगली बार ही वो टूट जाए। दोस्तों ये कुछ इस तरह से होता है कि मान लो कोई बॉक्सर दीवार पर एक के बाद एक जोरदार पंच करते जाए, और वो भी तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। दोस्तों इनकी आर्गुमेंट लॉजिकली तो बिल्कुल सही लगती है, हम चार्ट पर ऐसा देखते भी हैं, पर दूसरे वाले ग्रुप के आर्गुमेंट में भी काफी दम है। दूसरे ग्रुप वालों का मानना ये होता है कि यू नो व्हाट, प्राइस सपोर्ट को जितने बार टच करेगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनते जाता है, क्योंकि नेचुरली अगर उसे टूटना ही होता और वो एक वीक सपोर्ट भी है तो वो अब तक तो कब का टूट चुका होता। पर अगर ऐसा हुआ नहीं है तो ये लेवल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों देखा आपने, ये कोई आम डाउट नहीं है, मार्केट का ये तो बहुत पुराना कंफ्यूजन है, पहले मुर्गी की पहले अंडा। अजीत जी का सवाल एग्जैक्टली यही है कि दोनों में सही कौन है। गाइस यू नो व्हाट, सही में अगर हम कोई भी पुराने वाले चार्ट ओपन करके देखेंगे तो सरप्राइजिंगली वहां हमें ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती दिखेंगी। देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें सिर्फ ट्रेलर देख के अपना डिसीजन बनाने से अच्छा है पहले जरा हम पूरी पिक्चर देख ले। इस मसले पर भी दोस्तों हमें ऐसा ही करना होगा। यहाँ पे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्राइस ने सपोर्ट को 3 बार टच किया है कि 5 बार, हमें अपने स्टॉक की हिस्ट्री समझनी होगी, प्राइस एक्शन हमें देखना होगा और तभी हम कुछ कह पाएंगे। देखो दोस्तों, मार्केट में प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी स्टॉक की पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें स्टॉक का उस टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना होगा। अगर आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा ही कि हम बस 2 मिनट में ये कैसे पता लगाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नए हो तो आपके लिए इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, वो जरूर देख लेना, बहुत काम की चीज है। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि एक ही सपोर्ट लेवल का बिहेवियर अप ट्रेंड में कुछ अलग होता है, चौपी मार्केट में कुछ अलग होता है और डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल अलग होता है। मान लो अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है और वहां पर कोई सपोर्ट हम देख रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि वो काम करे। ठीक वैसे ही अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेजिस्टेंस पे हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसके ठीक अपोजिट डाउन ट्रेंड में सपोर्ट उतने पावरफुल नहीं होते। डाउन ट्रेंड तो हम उसी को कहते हैं जहां पर सपोर्ट एक के बाद एक लगातार टूटते जाते हैं। एक दो बार प्राइस को वो होल्ड करता है पर इवेंचुअली वो भी टूट जाता है। दोस्तों अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का हाल ठीक ठीक कुछ ऐसा ही होता है। मार्केट से लॉसेस करने वाले लोग जाने अनजाने में बस यही गलती कर बैठते हैं। मार्केट से हमें अगर ढेर सारा पैसा बनाना है तो गांठ बांध लो,
कि अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट को यूज करना है और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को। मान लो हमारे पास ये वाला पहला सिनेरियो है जहां पर प्राइस ने 3-4 बार सपोर्ट को टच किया है, और ये दूसरा वाला सिनेरियो है वहां भी प्राइस ने 3-4 बार ही सपोर्ट को टच किया है। तो यहां पे दोनों सिनेरियो में 3-4 टचेस ही हैं। सवाल ये है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है। मेरे ख्याल से ये वाला सपोर्ट कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिंपली बिकॉज बायर्स जो यहाँ इस सपोर्ट पर बाय करने के लिए तैयार बैठे हैं उन्हें यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, और यही बात चार्ट पर रिफ्लेक्ट होते हुए भी हम देख रहे हैं। अगर हम सिनेरियो दो को देखें तो यहाँ भी उतने ही 3-4 टचेस ही हैं, पर इस सिनेरियो में दोस्तों प्राइस का रिवर्सल जो यहाँ पे है वो क्लियरली वीक है। हम ये देखते ही समझ जाते हैं कि बायर्स को यहाँ पे बाय करने की वैल्यू दिख नहीं रही है, और नेचुरली सपोर्ट पे बायर्स की हेवी इन्वॉल्वमेंट जो एक्सपेक्टेड है उसके ना होने के कारण वो बाइंग प्रेशर प्राइस पर रिफ्लेक्ट होते हुए भी नहीं दिख रहा है। प्राइस जैसे ही ऊपर जा रही है सेलर्स उसे दोबारा से नीचे ढकेल रहे हैं। भले ही डाउन ट्रेंड हो, पर यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता तो सपोर्ट के थोड़ा ऊपर सेलर्स की ये डेरिंग ही नहीं होती कि वो प्राइस को टच भी करे। दोस्तों प्राइस एक्शन अगर हमें ये सारी बातें क्लियरली दिखा रही है तो हमें ये स्मार्टली समझ जाना है कि यहाँ ये वाला सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी प्राइस अपने सपोर्ट के आसपास काफी टाइम से है तो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट पे हमें भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए। अभी ये भी पॉसिबल है कि हम अवॉइड करने के बाद भी प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकती है और यहाँ से वो नीचे भी जा सकती है। देखो दोस्तों प्राइस में एक ही टाइम पे न्यूज, कंपनी रिजल्ट्स, ग्लोबल न्यूज, हायर टाइम फ्रेम का प्रेशर, ऐसे कई सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा हमें पूरे पिक्चर पे नजर रखनी होती है। ऑफ कोर्स अगर हमारी अपनी ट्रेडिंग की टेक्निक इतनी पावरफुल है तो वो सारी चीजों का ख्याल तो रखेगी, पर अगर हम मार्केट में नए हैं तो ऐसे टाइम पर यही सही डिसीजन होता है दोस्तों कि हो सके उतना हमें ये ऐसे वाले ट्रेड्स को अवॉइड ही करना होगा। पर फिर भी जो भी आपका रीजन हो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे यहाँ पे एंट्री तो लेनी ही है, तो फिर पहले प्राइस को सपोर्ट को तोड़ने दो। अगर आप सही हो और सही में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है तो प्राइस अपना रुख ऊपर की तरफ कर रही है तो उस टाइम पर वो हमारी अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों देखो दोस्तों हम यहाँ पर गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करने भी नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट कमाने, क्योंकि तभी तो अपना पैसा बनेगा। इसलिए दोस्तों हमें वो सारी चीजें समझनी होगी जो मार्केट हमें बता रहा है, और ये है भी बहुत इजी। बस आपको मार्केट को देखने का अंदाज थोड़ा सा बदलना होगा, चार्ट्स को हमें थोड़े बारकाई से देखना होगा। अगर ये आप कर पाओ तो बिलीव मी स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों ये थी मेरी राय, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, या तो यहाँ पर मैंने कुछ मिस भी कर दिया है। आप स्मार्ट हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है, या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो। मेरे ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो दोस्तों बातें तो बहुत हुई, अभी जरा हम चलते हैं अपने कुछ ट्रेड के एनालिसिस की तरफ। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो आप यहीं पॉज कर दो और पहले ये वाली दो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि बाकी बची हुई वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है एक बैंकिंग सेक्टर से, और ये आप उसका आर्ली चार्ट देख रहे हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेगुलर हो तो आप भी ये चार्ट देखते ही बता सकते हो कि ये स्टॉक इस टाइम फ्रेम में काफी बैरिश है। आप ये भी जानते होंगे कि हम ट्रेंड लाइन, स्टोकास्टिक, मूविंग एवरेज इन जैसी चीजों को बखूबी से यूज करके एक तजुर्बेदार शिकारी की तरह अपने ट्रेड को कैसे कैच करते हैं। पर यहाँ इस चार्ट पर आपको मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड प्राइस के बीच का इंटरैक्शन दिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों आप जो भी टूल यूज करते हो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्टॉक में इस टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो भी एकदम डेडली वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर 62-63 के आसपास एक सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर यही स्टॉक अप ट्रेंड में होता तो शायद
दोस्तों प्राइस को यहीं से एक जबरदस्त बाउंस मिल जाता, पर देखो इस डोमिनेटिंग डाउन ट्रेंड में प्राइस ने बाउंस तो जरूर लिया है पर एकदम बेजान। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बायर्स को यहाँ पर बाय करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो नेचुरली ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि हम सपोर्ट को टूटे हुए देखें। अगर आपकी टेक्निक सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड है तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, पर अगर आप मेरे जैसे ट्रेंड को फॉलो करते हो तो हमें प्राइस में ब्रेकआउट रीटेस्ट का इंतजार करना होगा। दोस्तों अगर आपने ब्रेकआउट रीटेस्ट वाली वीडियो देख ली है तो फिर ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, पर अगर आप नए हो तो फिर मैं आपके लिए उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर देख लेना, हम ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़े काम की चीज है। तो जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करने वापस आएगी तो एग्जैक्टली वहां पे हमें अपनी एंट्री लेनी चाहिए, कुछ इस लेवल पर। देखो प्राइस कैसे रॉकेट की तरह नीचे शूट हुई है। प्राइस जब बढ़ते जाती है ना तो मेरे चेहरे पर मेरे बच्चे जैसे खुशी आ जाती है। आई एम श्योर आपको भी ये खुशी होती होगी, पर ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर इमोशन के बेसिस पर हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। हम हमारे प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट के टेंशन से भरी इस साइकिल को तोड़कर तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम मार्केट की अनकही चाल को सुनकर उसे समझकर उसके साथ साथ चल पड़ेंगे। और दोस्तों ये है भी उतना ही सिंपल, बस हमें चार्ट पर चीजों को स्मार्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी काफी एक्साइटिंग हो जाएगी। चलो जरा फटाफट और दो ट्रेड्स को देखते हैं। तो ये जो अगला स्टॉक है वो है इंट्राडे का। यहाँ पर दोस्तों मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको बिल्कुल पता है कि इंट्राडे के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, फिर एज यूजुअल कुछ देर तक हम इंतजार करते हैं। इस दौरान हमें रेंज हाई और रेंज लो को नोट डाउन करना होता है। फिर जैसे ही प्राइस ने अपने रेंज लो को नीचे के साइड ब्रेक कर दिया है, मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है। देखो दोस्तों डाउन ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि एंट्री के बाद बस कुछ मिनट्स में ही मेरे टारगेट्स भी हिट हो गए हैं। फिर दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है एक फार्मा सेक्टर से, और ये आप उसका 30 मिनट का चार्ट देख रहे हो। देखो प्राइस काफी समय से उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही है, जो ये हमारे लिए सबसे बड़ा साइन है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। पर ऑब्वियसली एज ए ट्रेंड फॉलोअर हमें कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है, हमें पेशेंस रखना होगा। हमें अलर्ट तभी हो जाना है जब अपना दूसरा इंडिकेटर जो है स्टोकास्टिक्स वो अपने 80 के लेवल पर पहुंच जाता है, फिर प्राइस को उसके मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। दोस्तों अगर हम इन कुछ हाइज को ज्वाइन कर दे तो इस तरह से हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये भी प्राइस को एक ऑथेंटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अपने 5 में से 4 इंडिकेटर तो बस यहीं पे मौजूद है, तो ये बन जाएगा अपना हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। कुछ यहाँ पे होगी अपनी एंट्री और कुछ इस लेवल के थोड़ा ऊपर होगा अपना स्टॉप लॉस। देखो एंट्री के बाद प्राइस ऑलमोस्ट इमीडिएटली नीचे की तरफ छूट हुई है। अमेजिंग राइट गाइज, बिलीव मी डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक अगर हम यही करते जाए तो ट्रेडिंग को हम एक रेगुलर और फिक्स इनकम सोर्स बना सकते हैं। अगर आप जॉब करते करते ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आई बेट ये तो आपके लिए ही बनी है, जरूर फायदा उठाना। हाँ पर इसके लिए रोज थोड़ा टाइम निकाल कर हमें अपने स्टॉक को स्टडी करने होंगे, लेकिन अगर आप वो रोज रोज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए मेरी 100 रुपए वाली एक छोटी सी सर्विस है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको मेरे इंट्राडे के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस यही रुक जाता हूँ, मिलते हैं कल मार्केट में ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।